हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एस के झा सर के द्वारा जो है सामान्य विज्ञान का ये बुक लॉन्च किया गया है। ये RBD पब्लिकेशन का है और ये जो है 5th एडिशन है। इसमें जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को हम लोग जो है डिटेल के साथ कवर करा रहे हैं। तो आप लोग अगर साइंस में पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और ये जो बुक होने वाला है ये रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट विषय या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है साइंस का। आज जो हमारा टेस्ट होने वाला है, हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है, ये चैप्टर जो है पदार्थ के सामान्य गुण ये चैप्टर होंगे। उसके बाद जो होंगे ऊष्मा और ताप, ये दोनों चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे इसे जो है आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कराएंगे। तो आप लोग अगर वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा तो आपका जो है साइंस में पकड़ जरूर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 11 है, पदार्थ के सामान्य गुण। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल के साथ कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पदार्थ यानी मैटर के बारे में, द्रव्य के बारे में। तो मैटर जो होता है वह वस्तु जो स्थान घेरती है उस जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका जो है अनुभव हम अपने इंद्रियों से कर सकते हैं, इसे जो है ये हम लोग पदार्थ कहलाती है। अगर हम लोग बात करें पदार्थ की तो इसका एग्जांपल में हो जाएगा लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी, ये सब जो है पदार्थ के उदाहरण है यानी द्रव्य के उदाहरण है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर द्रव्य की तो पदार्थ जो होता है इसकी तीन प्रमुख अवस्थाएं होती है, जैसे कि ठोस, द्रव, फिर गैस। ठोस की हम लोग बात करें तो इसमें ठोस, द्रव, गैस के सामान्य गुण जो होते हैं, अगर बढ़ते से घटते क्रम में बात करें, गतिज ऊर्जा जो होता है सबसे ज़्यादा गैस, फिर द्रव, फिर ठोस में होता है गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा। घनत्व की बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। अगर अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। इस तरह से आप लोग जो है इसका जो है कुछ प्रारूप देख सकते हैं। अगर नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में नहीं बदलता है, तापमान में जो है बदलना ये नहीं होता है। और इसमें दिया हुआ है कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा जो है पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएँ भी होती है, जैसे कि प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी अवस्थाएँ जो है दो ये पदार्थ की अवस्थाओं में आती है। कौन कौन? तो ये जो है प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो है दो प्रमुख अवस्थाएं और भी हैं। प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा होता है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान जो है लगभग जो इसका तापमान है ये 20,000 सेंटीग्रेड तक जो है हो सकता है। और प्लाज्मा अवस्था का एक जो है आयनित अवस्था है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, प्लाज्मा जो है प्रायः विसर्जन नलिका और नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में जो है पाए जाते हैं। और सूर्य और तारों की ऊष्मा जो कि चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है, सूर्य और तारों में चमक। प्लाज्मा जो है अवस्था ये विद्युत का सुचालक होता है, प्लाज्मा अवस्था जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। वहीं बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की तो यह जो है पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है और ये 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था के प्रमुख गणनाएं की थी। इसी के आधार पर जो है आइंस्टीन ने अपना पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की थी। और इस अवस्था को जो है प्राप्त करने के लिए कर्नेल बीमाकेटरले को जो है नोबेल पुरस्कार, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पदार्थ के सामान्य गुण की बात करें तो दाब जो होता है प्रेशर, यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके जो है लंबवत कोई बल लग रहा हो तो ये जो कहा जाता है सतह पर दाब लग रहा है। इस तरह से प्रेशर यानी फोर्स बटे एरिया होता है, प्रेशर बराबर यानी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसे जो है पास्कल से सूचित किया जाता है। और इसका बीमा जो होता है m L-1 t-2 होता है। तो इस तरह से आप लोग कॉपी में नोट करके भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक बार बराबर 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर 10^5 पास्कल भी इसे बोल सकते हैं। ये भी जो है प्रमुख पॉइंट है, तो आप लोग इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक मिली वार बराबर होता है 10^2 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी 10^2 पास्कल, और दाब जो है एक अदिश राशि है। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहला है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है।
पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है ये उत्प्लावन बल कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्लावन बल। जैसे ही एक जो है तरल पदार्थ को मुक्त जो है सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव ये जो कहलाएगा कम हो जाता है। इसमें तरल द्वारा डाला गया दबाव जो होता है ये कम हो जाता है। अगला, खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में जो है कमी आती है। ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ जो है ठोस में द्वारा डाला गया दबाव में जो है ये कमी आ जाती है। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा दबाव उतना ही कम होता है। अगला कि उत्क्षेप बल और जो है भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार की बात करिए जो कार्य करते हैं ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत दिशा। अगला प्रश्न है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि की बात करें इस पे जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आधारित है। अगला कि ऊपरी प्रणोद और भार इसमें जो है प्रयुक्त तो होते हैं। इन दोनों में बात करें तो ये दोनों में जो है विपरीत दिशा में ये जो है प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी प्रणोद और भार ये जो है विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। अगला कि किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से जो है उत्पन्न उधरगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो इसे जो है वेंट फोर्स कहते हैं, वेंट फोर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। अगर बात करें यहाँ पे दूसरा नाम की तो दूसरा नाम जो हो जाएगा ये उत्क्षेप बल हो जाएगा, उत्क्षेप बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि आप एक गिलास को जो है पानी और बर्फ से पूरी तरह से जो है भरते हैं और बर्फ जो है पूरी तरह गल जाता है तो क्या कहलाता है। अगर बर्फ जो है पूरी तरह गल जाए तो ये जो है जल स्तर पूर्ववत तो जो है रहेगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल फिर से जो है पूर्ववत रहेगा। अगला है कि यदि कोई वस्तु जो है डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त तो उत्क्षेप क्या होगा। तो इसमें जो है उत्क्षेप आएगा ये वस्तु के भार से कम आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के भार से कम। अगला कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। इसका बल जो है ये उत्क्षेप कहलाता है। किसी तल के जो है लंबवत कार्य करने वाला बल ये उत्क्षेप कहलाता है। अगला कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, अगर बर्फ पानी पर तैरती है इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है इसीलिए जो है बर्फ पानी पर तैरती है। अगला कि चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ kg प्रति मीटर क्यू और जो है पानी का घनत्व ये 10³ kg मीटर प्रति क्यू है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा। इसमें जो है चांदी का अपेक्षित घनत्व निकल कर आएगा और ये निकल कर आएगा 10.8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सापेक्ष घनत्व के बराबर है। सापेक्ष घनत्व के बराबर की बात करिए ये जो है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। सापेक्ष घनत्व के बराबर हो जाएंगे यहाँ पे पानी पदार्थ का घनत्व बाई पानी का घनत्व, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत कथन है। पहला कथन है यदि उत्प्लावक बल वस्तु की भार से कम हो तो जो है वस्तु डूब जाती है, ये कथन जो है सही कथन है। यदि उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से अधिक हो तो जब वस्तु तैरती है, ये भी कथन जो है सत्य है। उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी, ये गलत कथन है क्योंकि ये जो है वस्तु डूब जाएगी। अगर उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो ये वस्तु डूब जाएगी। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के ये बराबर हो तो वस्तु जो है तरल के अंदर तैरेगी, यानी तल के अंदर तैरेगी। तो ये जो कथन ये भी सत्य है। इसमें गलत कथन पूछा था तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो कि गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा। इसमें जो बल होगा ये वस्तु के भार के बराबर आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से जो है या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर उधर दिशा में जो है एक बल प्रयुक्त होता है जो कि उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है, यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है। ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। CGS प्रणाली में विकृति की इकाई है। CGS प्रणाली में विकृति की इकाई की बात करें इसमें जो हो जाएगा कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो कि कैसे सूखता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही की बात करिए जो सूखता है केशिका या फिर कैपिलरी क्रिया के द्वारा सूखता है।
अगला प्रश्न है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को जो है कहा जाता है, तो इस परिघटना को जो है पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगला कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण जो है गोलाकार होता है, तो जल की गिरती हुई बूंद यानी बारिश में जो बूंदें गिरती है ये गोलाकार होती है जल का पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का पृष्ठीय तनाव। अगला है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से जो है एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है, निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। पहला कथन है कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे जो है पीछे की ओर उठता है, ये कथन जो है सत्य कथन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम जो है सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया था, तो ये जो श्रेय दिया गया था ये आर्किमिडीज को दिया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है, ये जो करता है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें जो है डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। अगला उत्प्लावन यानी जो है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, इसका केंद्र की बात करें इसका केंद्र जो हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस सिद्धांत या फिर नियम के आधार पर वस्तुएं जो है पानी में तैरती है, ये जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वस्तु जो है पानी में तैरती है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से जो है डुबाया जाता है तब यह जो है पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर या फिर उत्क्षेप बल का अनुभव करता है, इसे जो है किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसे जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत में जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला कि बिना भंजन यानी बिना जो है ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है, तो ये जो कहलाती है सुघट्यपन कहलाती है, सुघट्यपन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है, इसका प्रत्यास्थापन गुणांक जो हो जाएगा ये एक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला कि उत्प्लावन बल का परिणाम जो है तरल के किस पर निर्भर करता है, ये जो है तरल के घनत्व पे निर्भर करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उत्प्लावन बल का परिणाम जो होता है ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, उत्प्लावन बल का जो है खालिस्तान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावन बल का जो है परिणाम ये द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा परिणाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है दाब का बीमा सूत्र होता है, दाब का बीमा सूत्र की बात करें तो इसका बीमा सूत्र जो निकल कर आएगा यम एल पर पावर माइनस वन इंटू जो है टी पर पावर माइनस टू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि एक बांध में जल की गहराई एच हो तथा जो है ए का जल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा टी बांध की मोटाई हो, तब जब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब जो है किस पर निर्भर करता है, इसमें जो है ये किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसी पर निर्भर नहीं करेगा। अगला कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील जो है डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि लोहे की कील का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो है लोहा डूब जाता है, कील डूब जाता है और कॉर्क जो है इसका घनत्व कम होने के कारण ये तैरता है। अगला प्रश्न है कि दाब को के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, दाब की बात करें इसे जो है प्रणोद या फिर थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में ये जो है परिभाषित किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणोद। अगला कि चांदी का अपेक्षित घनत्व जो कि 10.8 है और पानी का घनत्व जो कि 10^3 kg प्रति मीटर क्यूब है, तो जो है इसका SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, इसमें बात करें तो इसका जो निकल कर आएगा चांदी का घनत्व, तो इसमें ये 10.8 × 10^3 kg प्रति मीटर क्यूब आएगा, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, घनत्व की बात करें ये जो है ये द्रव बटे आयतन का अनुपात है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव बटे आयतन। अगला है कि दबाव को किस रूप में मापा जाता है, दबाव को जो है बल बटे क्षेत्रफल से जो है मापा जाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला है किसी लगाए गए बल के लिए जो है यदि क्षेत्रफल कम है
तो जो है दाब होगा, क्षेत्रफल कम है तो इसका दाब जो होगा ये अधिक होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी दिए गए बल के क्षेत्र को जो है बढ़ाते हैं तो इससे जो है दाब यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल होगा, तो इसमें जो हो जाएगा कम हो जाता है, दाब बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब घटने पर क्षेत्रफल अधिक होता है। अगला निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये जो है लोहे के कील, इनका जो घनत्व होता है जल के घनत्व से अधिक होता है, तभी जो है लोहे के कील पानी में डूब जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि जो है अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, यह जो है और दिशा नहीं होता है, परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होता अदिश में, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि यहाँ पे बात करें तो दाब जो है अदिश राशि है और बल, विस्थापन, संवेग ये तीनों जो है सदिश राशियाँ हैं। इन तीनों में जो है दिशा और परिणाम दोनों होती है, दाब में जो है केवल जो है परिणाम होती है। अगला है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब की बात करें तो दाब को ये प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो है परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एकांक पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे जो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, इससे जो है एकांक पदार्थ के घनत्व को परिभाषित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम की बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है पानी का मान अधिकतम। अगला कि ठोस के पिघलने के दौरान जो है इसका तापमान क्या होता है। ठोस के पिघलने के दौरान जो इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होना। अगला है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त अवस्था से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव ये जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये जो है दाब कहलाता है, और दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल यानी बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है क्या होता है, तो ये जो है बाहर की तुलना में अधिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक होना। अगला है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो होता है के अनुपातिक होता है, तो वायु का दबाव जो होता है यहाँ पे ये घनत्व के अनुपातिक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व क्या है। पानी के घनत्व की बात करें, पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलो पर घन मीटर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 किलो पर घन मीटर। निम्नलिखित कारणों में से जो है किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। बादल जो है आकाश में तैरते हैं ये निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो कि पदार्थ की घनत्व या फिर पानी का घनत्व के बराबर होता है। अगला है सॉरी यहाँ पे पदार्थ का घनत्व बटे पानी के घनत्व के बराबर जो है ये अपेक्षित घनत्व निकल कर आता है। अगला कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें जो होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है गैस में होती है, उसके बाद जो है द्रव, उसके बाद ठोस में होती है। अगला कि वो स्थिति जिसमें जो है आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है ये क्या है। ये जो है ठोस है, इसमें जो आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। अगला प्रश्न है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर जो है तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत कथन है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ये जो कथन है ये सत्य कथन नहीं है यानी गलत कथन है। इसमें जो है सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है और वितरण व्यापार हो जाता है, साथ ही जो इसमें वितरण वक्र के सतह क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो जो है उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है। इस बल को जो है उत्प्लावन बल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। अगला कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें नहीं जो आएगा ये ओडोमीटर, ये जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, पनडुब्बी आधारित है, हाइड्रोमीटर आधारित है, लैक्टोमीटर, ये सभी जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सत्य विकल्प है। तो इसमें सत्य जो आएगा गैसों का विसरण द्रव या फिर ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये कथन जो है इसमें सत्य कथन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल
गैस के अणुओं के होते हैं। इसमें जो है गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण जो है इसमें संवेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आएगा ये घनत्व, मास प्रति यूनिट वैल्यू जो कि घनत्व निकल कर आएगा। अगला कि एक आदर्श तरल पदार्थ, इसमें जो है क्या होता है, तो एक आदर्श तरल पदार्थ में जो है घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण रहित और असंपीड्य। ऑप्शन फ्रेंड इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इस चैप्टर में हमने जो है इस वीडियो में कवर करा दिया है। और आगे जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये चैप्टर है ऊष्मा और ताप, इसे जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।